नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ भव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम्स गाइडबुक। मोटिवेट करना आपको लिखने के लिए मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर मेरे चैनल मॉम्स गाइडबुक पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूँ, ये चैनल पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, मॉम्स ब्यूटी और टॉय रिव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ का है। इसमें मैं हर मंडे इन टॉपिक्स रिलेटेड को एक वीडियो लेकर सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया है और उसमें ऑल नोटिफिकेशन सेट नहीं की है तो प्लीज़ वो कीजिए, उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मेरे नए वीडियोस की मिलती रहेगी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करें। 3 साल के हो जाते हैं यानी नर्सरी में उनका एडमिशन हो जाता है तो बच्चों को मैम ट्रेसिंग करना शुरू करा देती। बच्चे जो हैं इंटरेस्ट नहीं लेते लिखने में, आसपास की चीज़ों को देख के काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मगर इन समस्या को दूर करने का सबसे पहला तरीका है सिंपल लाइन खींचने को। अगर आप बच्चे को प्लेन कॉपी में देंगे तो वो डेफिनेटली नहीं लिखेगा। उसके लिए ज़रूरी है या तो कोई आप बुक लाइए, जैसे पेंसिल कंट्रोल एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने अपनी बच्ची को भी दी थी ट्रेसिंग के दौरान, उसने वो काफ़ी हेल्पफुल रही बच्चे को लिखने में। उसका मैंने डिटेल रिव्यू किया है, आप उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आप उस बुक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बुक में कलरफुल चीज़ें अलग अलग बनी हुई हैं ट्रेसिंग के लिए, जो बच्चे को मोटिवेट करती है ट्रेस करने के लिए। इसके अलावा आप बच्चे को, कोई ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्टली ए बी सी या लाइन या कर्व से ही शुरुआत करें, आप बच्चे को मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो बच्चे को पेंसिल ग्रिप करने के लिए हेल्प करती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे को ए बी सी डी आना चाहिए। आजकल के 2 से 3 साल के बच्चे को ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पता ही पता है, क्योंकि वो यूट्यूब या टीवी देख के वो सीख लेते हैं बच्चे, तो उनको ये नॉलेज है। तो आप उस नॉलेज का यूज़ करते हुए ए बी सी डी, एक कॉलम में ए बी सी डी लिख दीजिए, कॉलम में आप ड्राइंग बनाइए उससे रिलेटेड वर्ड की, जैसे बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, इस तरह करके एक लाइन में वो बनाइए, एक लाइन में वो बनाइए। अब बच्चे से कहिए उसको मैच करे, जो वर्ड है उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मैच करे। तो इससे क्या होगा, बच्चा पेंसिल पकड़ के टेढ़ा आरा तिरछा बनाएगा, उसको इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में। और साथ ही साथ जो मैच द फॉलोइंग में आप उसको कलर करने को भी कहिए। तो ये सब एक्टिविटी करने से बच्चे को इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये लिखना भी अच्छी चीज़ है, इसको कलर करने भी मुझे मिलेगा, लाओ मैं जल्दी से एक लाइन खींच दूँ। तो वो जल्दी से वो लाइन खींचने के चक्कर में पेंसिल तो उठाएगा कम से कम, और 2-4 मैच द फॉलोइंग आप देंगे, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं बेसिकली मैच द फॉलोइंग। मेरे बच्चे को तो बहुत मज़ा आता है मैच द फॉलोइंग करने में, तो मैंने शुरुआत उसी से की, मैच द फॉलोइंग। फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने से आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और उसी से बच्चे लिखना बेहतर तरीके से शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज़ ऐसी कराएं जो उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर करती है। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को जो पेंसिल ग्रिप करा रहे हैं उसको काफ़ी समय तक करवाइए। ये नहीं कि आपने 5 मिनट दे दिया कुछ लिखने को, उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखवाया। बच्चे को कुछ ना कुछ तरीके से पेंसिल पकड़ना 15 से 20 मिनट रोज़ होना चाहिए, चाहे वो क्रेयॉन से कलर करे, चाहे वो पेंसिल से कुछ लिखे, या चाहे तो वो स्क्रिबल ही करे, मगर रोज़ करे। तभी उसके बच्चे की एक हैबिट फॉर्म होती है, एक इंटरेस्ट आता है। कभी आपने कराया, कभी आपने नहीं कराया, तो बच्चे फिर बार बार इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ पर। और साथ ही साथ आप बैठ के मोटिवेट कीजिए बच्चों को। बच्चे जब बैठे हैं, अगर वो लिखना नहीं चाह रहे हैं तो आप उनके सामने बैठे कुछ लिखिए, तो वो देख के वो सोचेंगे अरे मम्मी क्या लिख रही, चलो मैं भी लिखता हूँ। तो इस तरह से बच्चे मोटिवेट होते हैं। ऑब्जर्वेशनल लिखना कैसे सिखाएं, इस पूरे टॉपिक पे मैंने एक सीरीज़ बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट भी जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने तीनों आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पेंसिल कंट्रोल बुक और साथ ही साथ सैंड मैजिक बुक का भी रिव्यू दे रखा है, तो आप चाहें तो उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, वॉच वर्दी लगा हो, टाइम वर्दी लगा, प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइडबुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हर मंडे एक वीडियो लेकर आती हूँ।